जिन भाई का बजट उतना नहीं बनता होगा उनके लिए सबसे बढ़िया भैंस ये रहेगी। कितने कीमत में होगी ये भैंस? मांगे 60 मांग रहे हैं, लेकिन देने वाला 50 का दे देंगे, उससे कम नहीं। देने वाला जो कीमत होगा आपका 50,000। जरा दूध बताइए। दूध एकदम 8 सेर पानी में 8 सेर दोनों टाइम का मिला के। बच्चा इसके नीचे? बच्चा पाड़ा है। और इस भैंस का जो दूध हमें बताया जा रहा है 8 लीटर दोनों टाइम का मिला के। ₹50,000 कीमत इस भैंस का बताया जा रहा है, लेकिन ये कोई ये जो कीमत है कोई फिक्स नहीं है, इसमें भी कम हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत है यहाँ पे खरीदार व्यक्तियों की। Thank you.
हमारा मतलब कोई नहीं थे हेलो हाँ बोल। अरे तो बाबा होने पापा मेला घुमाता हूँ तब कहाँ कहाँ जा भैया मारती काटी नत लियो जा मैं इनके पीछे को मैं नहीं मार दूंगा। बॉयज के आज उठ गेलबा 8 से दूर हो उतना कम बस दू गेलबा 1.5 महीना दिक्कत है इतना है बस 8 से दूध बता रहे हैं इस भैंस का। दोनों मीटिंग में गलती बात नहीं है, गलती बात नहीं करेंगे ना। एक मिनट के लिए खड़ा हो जाइए, आइए यहाँ पे। दूध में गलती नहीं खेते साथ आगे जाए था और आगे ले चलिए आगे जा वीडियो होता बढ़ावा आगे। तो बताइए इस भैंस के बारे में। 8 किलो दूध है, 55,000 रुपये दाम है, पड़िया बच्चा है। बच्चा पड़िया है, किसान की भैंस है, व्यापारी नहीं है जो बात है स्पष्ट जी। हाँ उसमें दिक्कत नहीं है जी। 8 लीटर दोनों टाइम का दूध है, मीटिंग का है, 1.5 महीना का बच्चा है, 100 महीना का बच्चा पड़िया है इसके पड़िया नीचे बच्चा है। और बयान कौन सा होगा? बयान दोहला है, दूसरा नहीं लग रहा है। देखिए ध्यान, दूसरा दांत में अच्छा दांत खोल के देखिए, दांत में छेद है। हाँ गलती बात हम नहीं कहेंगे, आप लीजिएगा चाहे मत लीजिएगा। कीमत क्या रखे हैं? कीमत इसको मांगे 55,000। ये सबसे मांगने वाला कीमत है या फिर क्या है? देखिए मांगने वाला 55, बिकेगी भैंस 52 पर, बिकेगी 52। एक बार और बोलिए ना, थोड़ा उनको ले आएंगे इधर। ए पंडित जी थोड़ा भैंस लाइए इधर, पंडित जी थोड़ा इधर लाने का कष्ट करें भैंस को, क्योंकि जब तक इस भैंस को अच्छा से ना देखा जाए। नहीं नहीं आपसे हम गलत नहीं बताएंगे, 8 किलो दूध है, हम 10 किलो 12 किलो नहीं कहते, व्यापारी लोग कहते हैं ना जी जी, लेकिन जो बात हम स्पष्ट कहेंगे जी जी। चाहिए भैया एक 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 मिनट। इस भैंस की जो थनों की बनावट है कुछ इस तरह से है, एक समान दूरी के साथ लंबाई लिया हुआ है, एक थोड़ा सा थन छोटा है पीछे वाला। ले चलिए, जो है वो मैं स्पष्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और जब भी इस मेला मंडी में आप लोग आएँ तो अपने सूझबूझ से ही पशु की खरीदारी करें, कोशिश करें कि अपने साथ एक अनुभवी व्यक्ति को साथ में ही लेकर आ जाएं, आपके लिए सही रहेगा। और इस भैंस का जो कीमत यहाँ पे बताया जा रहा है 52,000 रुपये, ये कोई फिक्स नहीं, इसमें भी कम होगा ना? अरे 150 की क्रिया नहीं है, 55 पर हम बेचने वाले थे लेकिन बता दिए ना। अरे
Ah.